अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर स्वच्छताग्रही संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4 साल तक काम लेने के बाद पिछले 1 साल से स्वच्छताग्रहियों को सेवा से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि सभी स्वच्छताग्रही को तत्काल नियमित कार्य के साथ मानदेय दिया जाए तथा कार्यों के अधिकार पंचायती राज कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। इस अवसर पर गोमती यादव, अवधेश मौर्य, रामबदन, राम सजन, आशुतोष कुमार, दयानंद यादव सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, जितेंद्र विश्वकर्मा, स्वच्छताग्रही संघ के जिलाध्यक्ष। हम जनपद गोरखपुर के सभी स्वच्छताग्रही हैं। पिछले 5-6 सालों से हम लोग लगातार पूरे अपने ग्राम सभाओं को, जिले को, शहर को खुले में शौच मुक्त बनाया। आज सभी जिला, सभी ग्राम पंचायतें, सभी ब्लॉक्स, प्रदेश पूरा ODF हो गया। अगर यह सरकार हम लोगों को नियमित मानदेय नहीं देती है और नियमित कार्य नहीं देती है तो निश्चित तौर में हम समस्त उत्तर प्रदेश के स्वच्छताग्रही बेहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज निश्चित रूप से जनपद गोरखपुर के सभी स्वच्छताग्रही कमर कसके खड़ा हो गए हैं कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार सेवकों को बुला करके लखनऊ में 6,000 से उनका मानदेय 10,000 कर दिए, आज ठीक उसी तर्ज पर हम भी अपने आप को मांग करते हैं कि सभी ग्राम पंचायत में स्वच्छताग्रही को नियुक्त करके उनका न्यूनतम एक मानदेय तय करें। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग आज इस राजेंद्र सिंह पार्क में आए हुए हैं। माननीय DM महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्ञापन सौंपेंगे।